अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम। यस आपको याद हो गया, हमने डिस्कस किया था कि जब लाइट मेटल सरफेस पे पड़ती है तो उसके नतीजे में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं। इस कंप्लीट प्रोसेस को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। और जो लाइट होती है या आप जो रेडिएशन देते हैं उसको हमने क्या कहा है कि भाई रेडिएशन जो है वो क्या होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्रिएट होगा। अच्छा, अब ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इसको अगर हम क्लासिकल व्यू में देखें तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स क्या बताती है, यानी अगर हम बात करते हैं किसकी, क्लासिकल फिजिक्स की, तो क्लासिकल फिजिक्स ने हमें क्या कहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या होती है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। ऑसिलेटिंग रेडिएशन इज एन, अच्छा, ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन। परपेंडिकुलर का मतलब समझते हैं कि परपेंडिकुलर क्या होता है, यस सर, यानी नाइनटी यानी आपके पास अगर फॉर एग्जांपल अगर आप मेरे हाथ को देखें तो अब ये जैसे मेरी उंगली जो है वो मेरे हाथ के परपेंडिकुलर है, या ये इस तरह से देखते हैं, ठीक है, आ रहे हैं नजर। यानी ये कह रहे यस हैं सर। कि जैसे ये एक लाइन है और इसके ऊपर ये क्या है, परपेंडिकुलर है। अच्छा, अब जो वेव्स होती हैं अगर ये इस तरीके से ट्रेवल कर रही हैं तो अब इसके अंदर से जो चीज पास होगी वो इसके परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेटिंग परपेंडिकुलर टू इट्स डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, यानी उसकी डायरेक्शन के प्रोपगेशन ऑफ डायरेक्शन जो होती है वो क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। एंड द इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसकी जो इंटेंसिटी होगी, इंटेंसिटी ऑफ रेडिएशन का मतलब क्या है कि आपने किस शिद्दत से वो रेडिएशन आपने दी है वो किसके प्रोपोर्शनल होगी, एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के, उसकी जो फील्ड है उसके प्रोपोर्शनल होंगी। अच्छा, अब एम्पलीट्यूड क्या होता है, व्हाट इज एम्पलीट्यूड, नाइस नॉइज, कोई और बताएगा व्हाट इज एम्पलीट्यूड। सर, टोटल एरिया जो होता है उसको कहते हैं। हाँ, यानी उसका जो एरिया होता है उसको हम क्या कहेंगे, एम्पलीट्यूड कहेंगे। इन शॉर्ट कह सकते हैं कि जो उसका एरिया होगा उसको आप क्या है कहेंगे, एम्पलीट्यूड कहेंगे। या आप ये कह रहे हैं कि वो जो आपने जो वेव दी है वो उसका एरिया कितना होगा या कितने एरिया में वो असर अंदाज होगी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्लासिकल फिजिक्स हमें क्या कहती है, एज द इंटेंसिटी इंक्रीजेस, यानी फिर क्या है, क्योंकि हम यहाँ इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं तो इंटेंसिटी का क्या है कि जैसे जैसे इंटेंसिटी इंक्रीज होगी वैसे वैसे क्या होगा, सो डज द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसका एरिया भी उतना ही बढ़ता जाएगा। द इलेक्ट्रॉन्स एट द सर्फेस ऑफ मेटल शुड ऑसिलेट अलॉन्ग विद द फील्ड, तो फिर क्या होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो भी उसके साथ ऑसिलेट होते रहेंगे। सो द इंटेंसिटी एम्पलीट्यूड इंक्रीजेस, यानी जैसे जैसे इंटेंसिटी या उसकी एम्पलीट्यूड बढ़ती जाएगी इलेक्ट्रॉन्स ऑसिलेट मोर वायलेंटली, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे और वायलेंटली जो है वो ऑसिलेट होते जाएंगे एंड इवेंचुअली ब्रेक अवे फ्रॉम द सरफेस विद काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन, यानी जितनी काइनेटिक एनर्जी दी होगी उसके लिहाज से। यानी हमने क्या, शायद आपको याद होगा के क्लासिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्या कहा था कि काइनेटिक एनर्जी जितनी बढ़ती जाएगी उतना क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स को इजेक्ट करना आसान होगा, याद है या नहीं। सर जी सर, अच्छा, अब एक्सपेरिमेंटल फैक्ट हमारा क्या है, यानी इसके कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए गए। एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद ये चेक किया गया कि जो क्लासिकल थ्योरी में बताया था वो वाकई वैसा है या नहीं, ठीक है ना। तो अब इसके लिए क्या किया था, एक्सपेरिमेंटल फैक्ट में क्या, हाउएवर इज देयर इज अ थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी जब एक्सपेरिमेंट्स किए गए तो पता चला कि एक थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है जिसको न्यू नॉट से शो करते हैं। हो सकता है ये जो है ये आपको वी ही लग रहा हो,
ये कुछ इस तरह से होता है न्यू नॉट, ठीक है। ये न्यू नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटालिक सरफेस, यानी एक थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है। अब यहाँ पे ये एक वर्ड यूज हो रहा है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटालिक सरफेस, इसका क्या मतलब हो सकता है? अरूबा, अरूबा कायनात, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटालिक सरफेस का मतलब क्या है? मेरे ख्याल में आप सबके शायद कैमरा ऑन करवाने पड़ेंगे, शायद आप लोग अपना काम छोड़ के इधर उधर घूम रहे हैं। सर राज खुल जाएंगे सबके। हाँ, मेरे ख्याल में हम लोग क्लास में कैमरा वगैरह ऑन करवा दिया करें, उससे ये है कि थोड़ा सा इंटरेक्शन भी रहता है, फिर ऐसा लगेगा कि जैसे वाकई क्लास चल रही है। यस सर, क्या ख्याल है? चले ठीक है, फिर कैमरा ऑन कर लें। अभी से नहीं सर, नेक्स्ट टाइम देखेंगे, अभी तो टेंशन में बैठे हैं सारे। अच्छा अस्मा जतोई, अपने आप को अनम्यूट करें और बताएं कि कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटालिक सरफेस का मतलब क्या है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटालिक सरफेस का मतलब ये है कि आपकी ये जो थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी है ये मेटल टू मेटल डिपेंड करेगी, यानी आपने किस मेटल में से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करवाना है। थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी क्या होती है? वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी होती है जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करवाने के लिए आपको चाहिए होती है, ठीक है। बिलो विच नो इलेक्ट्रॉन आर इजेक्टेड, क्योंकि अगर इससे कम होगी तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे, यानी अगर इससे कम आपके पास क्या करते हैं, कहते हैं आपके पास फ्रीक्वेंसी जो आप यूज कर रहे हैं रेडिएशन की, वो अगर इससे कम होगी थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी से, तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगी रिगार्डलेस ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द रेडिएशन, चाहे आप जितनी मर्जी रेडिएशन यूज करवा लें, ठीक है ना। यानी एक्सपेरिमेंटल फैक्ट से हमें एक चीज पता चली कि थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी का होना जरूरी है। जब हमें थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी का पता चल गया तो फिर हमें एक और चीज पता चली, वो क्या पता चला? वो ये पता चला कि थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी के साथ साथ अगर आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप कौन सी मेटल यूज कर रहे हैं और उस मेटल जैसे इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाना करवाने के लिए आपको कितनी थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी। अगर आपने उससे कम फ्रीक यानी अगर आपने क्या किया, ये जो थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी है अगर आपने ये कम यूज की, तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इजेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना। और अगर आपने थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी इससे ज्यादा फ्रीक्वेंसी यूज करेंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन्स को इजीली इजेक्ट किया जा सकता है, यानी मेटल में से निकाला जा सकता है। अच्छा, अब काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के दरमियान डिफरेंस यानी जो की इक्वेशन अगर हम कहें तो वो क्या बनेगी? अगर एट द स्टॉपिंग पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, यानी अगर आप क्या करते हैं कि वो पोटेंशियल जहां पे ये जो है इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होना बंद हो जाएं, उस पोटेंशियल को कहते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। वो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा उसमें क्या होगा कि आपके पास ये जो है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगी। अच्छा, अब इसके अंदर ये यहाँ पे जो मैंने Vs यूज किया है, Vs मैंने यूज किया है किसके लिए, स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए। और माइनस का साइन क्यों आ रहा है, इज नेगेटिव नंबर, यानी जो आपके पास जो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज आप यूज करेंगे वो क्या होगा, वो एक नेगेटिव नंबर होगा। मैंने आपको ये कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप इजेक्ट करवा रहे हैं तो एक पोटेंशियल ऐसा होगा जिसपे इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होना बंद हो जाते हैं,
वो जो पोटेंशियल होगा उसको स्टॉपिंग पोटेंशियल कहेंगे, यानी जिसमें मजीद इलेक्ट्रॉन रिजेक्ट ना हो सके उस ऐसे पोटेंशियल जो होगा उसको क्या कहेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल कहेंगे। अच्छा, ये मोहम्मद अख्तर आप अपने आप को म्यूट ही कर लें तो बेहतर है। अच्छा अब आगे हम चलते हैं आइन। अच्छा हाँ, तो समझ आ गया आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है? जी सर। अच्छा हम और आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि आइंस्टाइन टू प्लैंक्स हाइपोथीसिस, यानी आइंस्टाइन ने क्या किया, प्लैंक हाइपोथीसिस को यूज किया। यूज करने के बाद इसको किस तरीके से एक्सप्लेन किया उसने, जैसे अगर हम बात करते हैं किसकी, प्लैंक की, तो प्लैंक जो है वो क्या करता, प्लैंक ने क्या कहा था कि ये डेल्टा इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है, टू द इमिशन एंड एब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म ऑफ द एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर्स। यानी अगर आपके पास एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक ऑसिलेटर्स हैं उसके अंदर इमिशन या एब्जॉर्प्शन जो होगी वो डेल्टा इज इक्वल टू एच न्यू के मुताबिक होगी। लेकिन अगर हम आइंस्टाइन की इक्वेशन को देखें वो कहता है कि ई इज इक्वल टू एच न्यू होगा। यानी ये किसके तौर पर लेंगे, ये एज अ फोटोन लेंगे, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये जो है ये स्मॉल पैकेट ऑफ बंडल्स की शक्ल में अगर होगा, यानी फोटॉन्स की शक्ल में होगा तो इज इक्वल टू एच न्यू होगा। लेकिन अगर जस्ट इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के लिहाज से लेंगे तो डेल्टा इज इक्वल टू एच न्यू होगा। अच्छा, अब यूजिंग सिंपल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आर्ग्यूमेंट को अगर हम यूज करते हैं तो अब इसके अंदर क्या है, हमें बताएं कि काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होती है? हाँ, ये जो है ये होती है हाफ एम वी स्क्वायर के इक्वल होती है ना? यस यस सर। ये जो है ये क्या आएगा, वन अपॉन टू एम वी स्क्वायर। अच्छा, अब वन अपॉन टू एम वी स्क्वायर जो है, अब ये क्या होगा कि आपके पास ये वाला जो है ये एच न्यू माइनस फाइव के इक्वल होगा, ठीक है। यानी एच न्यू किस वजह से होगा, क्योंकि इसके अंदर जो आप जो एनर्जी जो यूज कर रहे हैं वो एच न्यू की फॉर्म में कर रहे हैं, ठीक है। जब एच न्यू की फॉर्म में करेंगे माइनस फाइव, फाइव क्या का मतलब क्या है, ये है वर्क फंक्शन। ये वर्क फंक्शन क्या होता है, याद है या नहीं, पिछले क्लास में देखा रहे तो हम सारा वही रिपीट कर रहे हैं। लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था वर्क फंक्शन का, क्या होता है वर्क फंक्शन, मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। हाँ, यानी मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब एक और चीज होती है जिसे कहते हैं थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। ये क्या होती है, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी दैट विल इजेक्ट एन इलेक्ट्रॉन इज जस्ट द फ्रीक्वेंसी रिक्वायर्ड टू ओवरकम द वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल। यानी मेटल के वर्क फंक्शन को ओवरकम करने के लिए आपको जो कम से कम एनर्जी चाहिए, फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी, उसको कहेंगे थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी। या ये कह रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करवाने के लिए आपको जो चाहिए फ्रीक्वेंसी चाहिए होगी वो क्या होगी, थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी होगी। और जो थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी होती है इसको हम किससे शो करते हैं सर, म्यू नॉट से। हाँ, म्यू नॉट से। अब वर्क फंक्शन क्या होगा, वर्क फंक्शन आपके पास होता है एच न्यू नॉट, अगर आप थ्रेशहोल्ड फ्रीक्वेंसी यूज करते हैं, यानी फाई आपका होगा एच न्यू नॉट के इक्वल होगा। अच्छा, अब हमने अब तक जो इक्वेशंस यूज की, एक तो हमने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के आपस के रिलेशन की इक्वेशन यूज की, फिर हमने काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन यूज की। अब काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं या नहीं, काइनेटिक एनर्जी की आपके पास जो इक्वेशन थी वो थी ये थी एच न्यू माइनस फाइव, यही थी ना? तो इस इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, ये देखें ये वाला हिस्सा तो वही हो गया, फाइव हमने पढ़ा है कि किसके इक्वल है,
एच बी नॉट के इक्वल है, तो जिसकी वजह से हमने इस फाई की जगह पे हमने ये वाला जो है इसको पुट कर दिया, ठीक है। और ये वो इक्वेशंस हैं जिनको आपने आगे यूज करना है। अच्छा अब ये जो एक और चीज जो याद रखने की है वो ये है कि सेकंड अगेन दिखाइए वो स्लाइड, जरा उसमें कुछ चीज मिस हो गई है। कौन सी? ये जो पिछली स्लाइड थी वो अगेन दिखाएंगे आप एक बार? अच्छा ये वाली, इसके बाद वाली सर, ये जी सर ये, हाँ ये देखो ये क्या था कि आपने क्या किया, एच न्यू तो वैसे क्या वैसे आ गया, फाई की जगह पे आपने एच न्यू नॉट लिख दिया क्योंकि वर्क फंक्शन जो था वो एच न्यू नॉट के इक्वल था। ओके सर। अच्छा अब आपके पास द वर्क फंक्शन फाई इज जो है, इसको हम एक्सप्रेस हमेशा करते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, यानी इसको हम हमेशा किसमें एक्सप्रेस करेंगे? इस यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और वन इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है? ये इज द एनर्जी पिक्ड अप बाय अ पार्टिकल विद द सेम चार्ज एज एन इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। यानी चार्ज क्या होगा? वही होगा जो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का है। याद है ना इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज क्या होता है? यस सर। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव। हाँ, और वैल्यू सेम होती है ये वाली, यानी ये जो है ये क्या होती है वैल्यू 1.602 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम। हाँ 1.602 मल्टीप्लाई 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम होती है। अच्छा यानी हम क्या कह रहे हैं कि चार्ज सेम हो गया व्हेन इट फॉल्स थ्रू अ पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ 1 वोल्ट। और ये कब होगा? जब उसके पास जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा? वो 1 वोल्ट का होगा। यानी 1 वोल्ट का अगर आप पोटेंशियल यूज करवाएंगे तो वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होगा। या आप ये कह रहे हैं कि जब चार्ज उसका जो है वो 1.602 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर माइनस 19 कूलम हो और पोटेंशियल आपने उसको 1 वोल्ट का दिया, तो उसके नतीजे में आप उसके उसकी जो एनर्जी होगी अगर हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लेते हैं तो वो क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी 1.602 × 10⁻¹⁹ जूल। ऐसा क्यों है? क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वो किसके इक्वल होता है? 1 जूल और किसके इक्वल होगा? कूलम के। यस सर। जूल कूलम के होगा या जूल पर कूलम के होगा? सर पर कूलम होता है। पर कूलम होता है ना, वही तो कह रहा हूँ आपको। 1 जूल पर कूलम जो होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल होगा। तो अब आपने क्या किया कि एक तरफ आपके पास एनर्जी फॉर एग्जांपल के, यानी इसकी जो टोटल एनर्जी बनती है वो बनती है 1.602 मल्टीप्लाई 10 रे टू पावर माइनस 19 जूल के इक्वल बनेगी। यानी आप क्या करेंगे, आप लिख सकते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.602 मल्टीप्लाई 10 रे टू पावर माइनस 19 जूल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जब आप ये कर लेते हैं, अब हम कुछ एग्जाम्पल्स करते हैं, ये अभी आपने सॉल्व करनी है। ये क्वेश्चन नोट कर लें और इसको अभी सॉल्व करके दिखाएं।
एच की वैल्यू क्या थी? प्लैंक्स कांस्टेंट वाली वैल्यू यूज करेंगे सर, वही 6.63 भी लिख सकते हैं मल्टीप्लाई 10^-34 जूल सेकेंड। या अगर आपने एग्जैक्ट वैल्यू लिखेंगे तो ये होगी 6.626 मल्टीप्लाई 10^-34। सर ये 3.4 एक्सपोनेंट 33 आ रहा है। क्या आ रहा है ये? इक्वेशन आप कौन सी यूज करेंगे पहले? सर वर्क फंक्शन इज इक्वल टू टच। ये देखें पहले पहला काम आपने ये करना है कि आपके पास वर्क फंक्शन यानी ये तो आपके पास हो गया फाइल, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है, पहले आप इसको जूल में कन्वर्ट कर लें। सर वी नॉट आ रहा है हमारा 4.4 एक्सपोनेंट 14 सेकंड इनवर्स। वी नॉट आर 4.40 एक्सपोनेंट 14। ठीक है, कौन सी इक्वेशन यूज की आपने? ये वाली? यस सर। एक्सपोनेंट की वैल्यू दोबारा बता। एक्सपोनेंट 14। ये आप क्या करेंगे कि सबसे पहले जब आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट को आपने कूलम जूल के अंदर कन्वर्ट करना है तो 1.602 मल्टीप्लाई 10^-19 जूल से आप मल्टीप्लाई करवा देंगे तो वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा? जूल। जूल के अंदर हो जाएगा। यानी ये समझ रहे हैं ना कि जैसे हमें पता है कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होगा वो किसके इक्वल होगा? इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है, चार्ज किसके इक्वल होगा? कूलम के। वोल्ट जो है वो होगा जूल पर कूलम के। कूलम से कूलम के आंसर जूल में आंसर आ गया। तो यानी अब क्या होगा कि अब आपने क्या करना है कि जो आपके पास वैल्यू आएगी उसको डायरेक्ट 1.602 मल्टीप्लाई 10^-19 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो वो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। जब ये जूल में कन्वर्ट हो गया तो ये क्या था? आपका वर्क फंक्शन था फाई। अब आप इसको यूज करके क्या करेंगे? न्यू नॉट निकाल लेंगे। ये निकालना है ना आपने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। यस सर। यस सर। यस सर। समझ आ गया? हो गया सबका सॉल्व? 4.40। जिस जिसका हो गया वो हाथ खड़ा कर लें। हाथ खड़ा करने आता है ना इसमें, रेज हैंड। अच्छा बिस्मा का हो गया है, उस्मान यूनस का हो गया है, किरण का हो गया। 4.4 एक्सपोनेंशियल 14 यही आंसर है ना? सेम मैच हो रहा है। हाँ 4.4 एक्सपोनेंशियल 14 ठीक है, मेरा भी यही आ रहा है। अच्छा आंसर किसके अंदर है, किस यूनिट के अंदर है? इब्रार का भी हो गया। हर्ट्ज सर, हर्ट्ज में आएगा। हाँ सही है, गुड, हर्ट्ज में आएगा। मोहम्मद अख्तर आपका नहीं हुआ अभी तक, बासित लाशारी का नहीं हुआ, जतोई अस्मा जतोई का नहीं हुआ, फजल अली आप लोग कर भी रहे हैं क्या? नहीं अस्मा जतोई का हो गया। क्या आंसर आया अस्मा जतोई आपका?
अच्छा जी, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलें भी जल्दी से अगला क्वेश्चन अब सॉल्व करें। अगर आप लोगों के पास क्वेश्चन नहीं आया तो ये क्वेश्चन है, ठीक है।